जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। महान राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैनी, जो आज का उज्जैन है, उसमें आया हुआ हूँ। अक्सर मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कभी कभी प्रयास करता हूँ, जब भी थोड़ा समय निकाल पाता हूँ, तो रामायण, महाभारत या हमारे और भी शास्त्रों में जहाँ भी पर्यावरण की बात की गई है, मैं प्रयास करता हूँ कि कैसे भी करके कुछ इस तरह का संदेश, और अन्य जगहों का भी प्रयास करता हूँ, ऐसा नहीं है केवल यहीं तक सीमित हूँ, कोई संदेश, अच्छी बात कहीं से भी सीखने को मिले। मैंने हमेशा कहा है, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए तो कई पर्यावरण के प्रसंग अक्सर आते हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रैक्टिकल में मैंने देखा, शास्त्र बहुत कम पढ़े हैं, ज़्यादा इतना नहीं हो पाया। भगवान श्री कृष्ण की जिन 64 कलाओं में वो निपुण हैं, सांदीपनि आश्रम में खड़ा हूँ, यहीं से उन्होंने 64 कलाएँ सीखी हैं, और उनकी दर्शक दीर्घा यहाँ लगी हुई है। उसमें एक दर्शक दीर्घा नंबर 41 वृक्षायुर्वेद, वृक्षारोपण को भी उन्होंने आयुर्वेद का बड़ा माध्यम ज्ञान बताया है। वृक्षायुर्वेद वहाँ लिखा हुआ है, अपने गुरु आश्रम में पौधारोपण कर रहे हैं, और ये सौभाग्य की बात है, भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी और अपने गुरु जी के साथ पौधारोपण कर रहे हैं, गुरु जी पौधा लगवा रहे हैं, उसके बारे में एक मंत्र और एक तख्ती भी वहाँ लगी हुई है। इसी संदीपनि आश्रम में श्री कल्पतरु संस्थान के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ समय पहले सिंहस्थ के समय मुझे पौधारोपण करने का अवसर मिला, और आज उन पौधों को हमने देखा, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। और यहाँ पर जो तख्ती है उसमें लिखा हुआ है, 41 नंबर की है, वृक्षायुर्वेद, इसको वृक्षायुर्वेद कहा है। इसमें लिखा हुआ है, रोपण पुष्टि चिकित्सा वेचुर करता रक्तो नर्ता, ग्रोथ ध्यान के लिए रोपना, पालना, पोषण करना और चिकित्सा में विचित्रता लगाने की दक्षता, मतलब उसका उपयोग पौधे को उगाना, लगाना, पालना, पोषना, बड़ा करना, और उस वृक्ष का क्या महत्व है, वो चिकित्सा में किस प्रकार काम आ सकता है, इन सब बातों को उन्होंने वृक्षायुर्वेद कहा है। और यहाँ पर अपने गुरुजी के साथ में और सांदीपनि महाराज के गुरुजी के साथ में पौधा लगा रहे हैं, अपने शिष्य सुदामा जी साथ में हैं, और संत आश्रम जो इनका सांदीपनि आश्रम है उसको दर्शाया गया है। ईश्वर का मनुष्य के लिए संदेश है, घर बनाने से पहले पेड़ लगाइए। राम ने भी कहा, कृष्ण भी कहते हैं, हम लोग नहीं समझते, इसलिए हमें कोरोना होता है, हमें बीमारियां होती है, इसलिए हमें कृष्ण के रास्तों पर चलना पड़ेगा, कृष्ण को समझना पड़ेगा, अधिक से अधिक पौधारोपण करना पड़ेगा। प्रकृति हमारे लिए भोग का साधन नहीं है, प्रकृति हमारे लिए श्रद्धा का विषय, आस्था का विषय है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस शरीर रूप में आकर के, मनुष्य रूप में आकर के मनुष्य को समझाया है, प्रकृति देवो भव। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।